हेलो लेडीज एंड बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम विशाल और आप देख रहे हैं व्यापार ज्ञान। आज जो फैक्ट्री में आया हूँ वो है बेस्ट ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। यहाँ बेस्ट ट्यूब बनती है, देखेंगे बेस्ट ट्यूब बनने के लिए क्या क्या प्रोसीजर रखता है और बेस्ट ट्यूब कैसे बनती है, इसकी सारी डिटेल्स आज जानेंगे। चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं बेस्ट ट्यूब बनने की पूरा प्रोसीजर और उसकी सारी डिटेल्स। चलिए चलते हैं अंदर। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है मैम, कैसे हो? ओके मैम, सबसे पहले आप अपना नाम, ब्रांड नेम, कंपनी नेम और आपकी फैक्ट्री की लोकेशन बताएं। सर, मेरा नाम निशु है, मैं एज ए मैनेजर कार्यरत हूँ इस कंपनी में और कंपनी का नाम है वी एस इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा। और हमारे ब्रांड का नाम है निसाई। निसाई, हाँ जी। अच्छा। जो लिबासपुर में कार्यरत है सर। ओके, अम्बे गार्डन लिबासपुर दिल्ली। ओके मैम, हाँ जी। तो मैम, सबसे पहले बेस्ट ट्यूब बनने का प्रोसीजर कहाँ से स्टार्ट होता है? सर देखिए, हम आपको बेस्ट ट्यूब बनाने का प्रोसीजर दिखाते हैं, जिसमें पहला चरण जो होता है हमारे रॉ मटेरियल से शुरू होता है। अच्छा। जिसकी थोड़ी थोड़ी नॉलेज करके हम आपको पूरी डिफाइन करेंगे। मतलब आज हमें पूरी डिटेल्स मिलने वाली है बेस्ट ट्यूब बनने के लिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल आपको ये मिलेगी। और हम शुरू करें सर? ठीक है मैम। सर देखिए, ये हमारी वुडन कैबिनेट होती है। ओके। जिस पर ये बच्चे लोग ऐसा यानी फेमिकोल टाइप का एक सोल्यूशन होता है वो लगाते हैं। लगा के दिखाओ बेटा। ये देखिए सर, मैम ये पेस्टिंग के लिए काम आता है। हाँ जी, ये पेस्टिंग के लिए काम आता है। इससे कपड़ा हमारा पूरा सेट रहता है। ओके। जो बिल्कुल भी टूटता नहीं है। ओके। और एकदम सेटिंग हमारी जो है प्रॉपर तरीके से बनी रहती है। ओके मैम, हाँ जी। ये देखिए, ये इस तरह का कपड़ा इस पे चढ़ाया जाता है जिसपे हमारा ब्रांड लोगो होता है। ओके, मतलब कपड़े विद ब्रांड नेम विद कपड़ा लगता है। हाँ जी, नाम के साथ ही कपड़ा इस पे चढ़ाया जाता है। कपड़ा कौन सी क्वालिटी का है, कौन सा मटेरियल है? सर देखिए, हमारा ये कपड़ा जो है अच्छी क्वालिटी का ही ज्यादा यूज करते हैं। ये कई तरह की क्वालिटी इसमें आती है। अच्छा। लेकिन हम जो पूरी बेस्ट क्वालिटी होती है वो हमारे सर हमें प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, तो इसे कटने फटने कोई वो नहीं होता? नहीं सर, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें। देखिए, ये जब इस तरह से कपड़ा चढ़ाया जाता है। ये हमारी वुडन कैबिनेट कपड़ा चढ़कर पूरी तैयार है। ये हमारा पहला चरण यहाँ पर सर कंप्लीट हो चुका है। तो मैम, अब हम क्या देखने वाले हैं सेकंड चरण में? सर सेकंड चरण में हम देखेंगे कि हम एक एम्पलीफायर जो बेस ट्यूब में बनने के लिए तैयार होता है वो किस तरह से हम रेडी करते हैं वो हम आपको बताएंगे। और एम्पलीफायर का यूज क्या होता है बेस ट्यूब के अंदर? सर ये साउंड के लिए काम आता है। अच्छा। ये हमारी जो कैबिनेट तैयार होती है ये इनबिल्ट एम्पलीफायर के साथ ही तैयार होती है सर। अच्छा, जितने भी हमारे बेस ट्यूब होते हैं उसमें इनबिल्ट एम्पलीफायर लगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आइए सर हम आपको बताएंगे। हमारे बच्चे यहाँ पे एम्पलीफायर के लिए जो मटेरियल हमें तैयार करना होता है उसका प्रयोग करना चाहिए। ये हमारा टोटल ट्रांसफार्मर होता है सर। ठीक है, इसको लगाकर ये बच्चे इस तरह से ये एम्पलीफायर रेडी करते हैं। ये फिनिश एकदम फिनिश ये फिनिश नहीं है, ये बॉडी से प्रॉपर तरीके से काम चल रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा बिल्कुल फिनिश्ड एक एम्पलीफायर उन्होंने बोर्ड तैयार किया है। फिनिश्ड प्रोडक्ट है जी, जिसमें हमारा ट्रांसफार्मर। ओके। और ये सब छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स होते हैं। ओके। जिनके वेरिएबल अपने अलग अलग तरीके का काम होता है, साउंड का है या शॉर्ट वॉटेज है, वो सब दिखाने के लिए ये तैयार है जरा। इसको फिर हम लेके जाते हैं सर टेस्टिंग पे, जहाँ पे इसकी फॉल्ट फाइंडिंग की जाती है। कोई अगर इसमें कोई चीज़ की प्रॉब्लम है, कुछ रेजिस्टेंस में चेंज करना है, कुछ कंपोनेंट जिसमें ऐड करना है, वो हमारे इंजीनियर सर वहाँ पे करते हैं। चलिए वहाँ पे। हाँ जी सर, बिल्कुल। जो एम्पलीफायर मैंने आपको सर बना के दिखाया वहाँ पे जो बच्चे हमारे बना रहे थे वो किस तरीके से तैयार होता है और टेस्टिंग यहाँ पे देखिए। ये हमारे इंजीनियर है। ओके। मिस्टर मोशन। हेलो सर। सर ये देखिए, ये इस तरह से यहाँ पर इस बोर्ड की टेस्टिंग करते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग इसका मतलब देखते हैं कुछ प्रॉब्लम है उसको यहाँ से क्लियर करने के बाद। ये इस तरह से सर ये बोर्ड यहाँ से इन्होंने मतलब पूरा से वेरीफाई करके टेस्ट कर दिया है। ठीक है, ये जो बोर्ड है फिर हमारा जाता है इस प्रक्रिया में जाता है।
इस प्रक्रिया में हमारा ये बोर्ड जाता है, उस पर ही बच्चे ये हमारा होता है सर मेटल, मेटल कैबिनेट बोलते हैं हम इसको। इस तरीके से ये प्रॉपर तरीके से इसको फिटिंग करते हैं, पेच लगाते हैं, टाइट करते हैं, इसकी SR ये सब के कहीं से ये लीकेज ना हो, साउंड में कोई प्रॉब्लम ना आए, मतलब कोई भी प्रॉब्लम कस्टमर हमारा फेस ना करे, उसके तरीके से SR टेप वर्क सब लगा के इसको रेडी किया जाता है। ये हमारा एम्पलीफायर रेडी है सर। जो फिटिंग के लिए रेडी है। इसके बाद प्रोसीजर मैम? सर ये देखिए, ये हमारा दूसरा चरण कंप्लीट हो चुका है। अच्छा ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे चरण की तरफ। ओके मैम। हां सर, ये देखिए ये हमारा तीसरा चरण है, यहाँ पर हम सबवूफर बनाते हैं। ओके ठीक है, सबवूफर्स बनते हैं पूरे? हाँ जी, इन हाउस से सारा चीज़ बिल्कुल सर, सबवूफर बनाते हैं सर। इन वूफर्स में इसको हम फिटिंग बोलते हैं सर। ओके, ये फिटिंग होता है, ये गुल्ला होता है, ये इसमें लगाया जाता है, ये कॉयल होता है सर, ये देखिए देखिए आप, ये कॉयल होती है। ओके, और स्पाइडर लगा हुआ नहीं, जो अलग से लगा के खाया वो स्पाइडर, ये देखिए सर, ये स्पाइडर होता है। ओके ठीक है सर, स्पाइडर्स के बाद इस पर ये कोन चढ़ाई जाती है। ओके, ये बच्चे प्रॉपर तरीके से इसको मेंटेन करते हैं, कॉइल लगाते हैं, मतलब फिटिंग करते हैं, कोन चढ़ाते हैं, कॉइल लगाते हैं। होते हैं? हाँ जी सर, इसमें साइज होते हैं 8 इंची 10 इंची 12 इंच। ओके, हाँ जी, ये अब हमारा तीसरा प्रक्रिया भी कंप्लीट हो चुकी है, जहाँ यहाँ से ये टेस्टिंग होने के बाद ये हमारे फिटिंग पे जाता है, जहाँ पे अब हमारा 90% काम कंप्लीट हो चुका है सर। अच्छा, मतलब यहाँ तक हमारा 90% बन चुका है। पहला चरण हमने बेस्टुक तैयार की सर, कैबिनेट कपड़ा चढ़ा के एम्ब्रॉयडरी के साथ विद नेम। सेकेंड हमने एक एम्पलीफायर अपना तैयार किया, ठीक है। थर्ड चरण में हमने एक अपना वूफर तैयार किया, ठीक है, ये भी सब रेडी हो चुका है सर। अब हम आप बढ़ते हैं सर, यहाँ पे ये पूरा तीनों चीजों को मिला के एक हमारा जो बेस्टुक तैयार होगा। देखिए सर, ये हमारा पेंट रूम है, जो हमारे कैबिनेट में जालियाँ लगती है, 2 चैनल होता है, सब हम यहीं पर पेंट कराते हैं, प्रॉपर फिनिशिंग देते हैं, जो हमारे आप देख सकते हैं। देखिए सर, ये हमारे स्टोर मैनेजर हैं। हेलो सर, जो भी कंपोनेंट्स हमारे बोर्ड में लगते हैं, जो भी मटेरियल जाता है, तो वो स्टोर से होके ही जाता है। ओके, जिसमें आप देख सकते हैं सर, ये हमारे भी कंपोनेंट यूज होते हैं। हां सर, देखिए रेजिस्टेंस है, कंपोनेंट्स है, ये प्रॉपर तरीके से हमारा स्टोर है सर। ये मैंने आपको दिखाया था सर, ये एम्पलीफायर है। यस ठीक है, ये नहीं, यहाँ पे इन्होंने फिट कर दिया है। ओके ठीक है सर, एम्पलीफायर फिट करने के बाद ये देखिए सर, ये वूफर लगा हुआ है सर। ओके, जो मैंने आपको तीसरे चरण में सर दिखाया था, इसके ऊपर ये हम जाले लगाते हैं। हाँ जी, जैसा कि आपको दिख रहा है सर। हाँ जी, देखिए मतलब मेन यहाँ पे सारे कंपोनेंट, सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे इंस्टॉल होते हैं और फिनिश को रेडी करते हैं। यहाँ पे पूरी टेस्टिंग होती है, फॉल्ट फाइंडिंग की जाती है, प्रॉब्लम होती है तो कैबिनेट दोबारा से खोली जाती है, रीचेक होती है। ओके, इसकी साउंड भी हम आपको सर अब बजा के दिखाएंगे, तो ये किस तरह से कार्य करता है। ठीक है, गाइस देख रहे हो, पूरी बेस्टुक रेडी हो चुकी है, उसका बेस एकदम बढ़िया आ रहा है, इतने बड़े हॉल में भी इसका इतनी अच्छी बेस आ रही है। सोचो जो गाड़ी की, जो 4-5 फुट की गाड़ी होती है, उसके अंदर से इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, आप देख सकते हैं कितना बड़ा हॉल है। और स्पेस का आप रिजल्ट देख सकते हो, कितना अच्छा आउटपुट आ रहा है इसका। जैसा कि देखा आपने,
हमने एक बेस ट्यूब किस तरह से तैयार करके आपको पूरा प्रॉपर साउंड भी सुनाया, आपको साउंड भी बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने जो मॉडल है हमारे, कई तरह के मॉडल्स हमारी फर्म बनाती है सर। Okay. ये देखिए, ये 10 इंची डी शेप मॉडल है सर। डी शेप मॉडल, हाँ जी, ये डी शेप मॉडल है सर। ये इनबिल्ड है, इसमें एम्प भी है। Okay. ठीक है, ये वेरिएशन होता है सर इसमें वॉल्यूम। अच्छा। सब हम बेस वगैरह सब इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्टेबल है वॉल्यूम और बेस साइज़ भी कर सकते हैं। हाँ, ये सब एडजस्टेबल है सर। ये देखिए, जैसा कि आपने देखा होगा सर वहाँ पे, वो आपको बेस ट्यूब चला के दिखा रहे थे, उसमें साउंड आता। ये 10 इंची डी शेप है, ये 8x20 डी शेप है सर, 8 इंची 20 इंची। मैम, डी शेप का बेनिफिट क्या होता है गाड़ी के अंदर? सर ये एडजस्ट हो जाती है सर ढंग से, मतलब कोई हिलती डुलती भी नहीं है। अच्छा, गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम आती है रोल करने की? हां, ठीक है, रोल नहीं होती। हां, और ये सर ये छोटी गाड़ी के लिए मॉडल है। अच्छा, ये 8 इंची है? हां जी, ये 8 इंची मॉडल है। मतलब 8 इंची मतलब ये जिस गाड़ी में कम स्पेस होता है? हां जी, ये उनके लिए है। हां जी, जिस गाड़ी के अंदर सीएनजी लगी होती है उसमें स्पेस कम बचता है। सीएनजी की बात करें सर, जैसे ये अंडर शीट है। अच्छा, जिस गाड़ी में मतलब सीएनजी लगा होता है तो उसमें स्पेस कम होता है। Okay. कि वेस्ट ट्यूब लगाने के लिए मैं प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाता है। हाँ जी, ठीक है, ये अंडर शीट वेस्ट ट्यूब होती है तो मतलब ये सीट के अंदर लगती है। हाँ जी, ये सीट के नीचे लगती है। सीट के नीचे लगती है। हाँ जी। Okay. इसलिए इसको अंडर शीट बोलते हैं सर। ओके मैम, तो ये वहाँ पे कम स्पेस के लिए हमारे लिए 10 इंची और 8 इंची अंडर शीट के अंदर साइजेस अवेलेबल है हमारे। हाँ जी सर, इसमें 10 इंची है और 8 इंची है। Okay. कम स्पेस के लिए ये भी मॉडल बहुत हमारा इस टाइम चला हुआ है। ओके, बेस्ट मॉडल है, मतलब बहुत सारे गाड़ी दिल्ली की और भी हर जगह में। हाँ, ये प्रॉब्लम होती है कि गाड़ी का स्पेस नहीं होता, स्पेस कम होता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बेस भी आपको वही मिलेगा, साउंड भी क्वालिटी भी वही मिलेगी, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ओके मैम। हाँ जी, ये देखिए सर, ये 12 इंची है हमारी राउंड में। हाँ जी, ये हैवी मॉडल है सर हमारा। हम इसमें 134 का मैग्नेट यूज करते हैं, हैवी साउंड आती है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती, और पूरी सेल इसकी बहुत अच्छी है हमारी। अच्छा। और रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है सर हमें। ब्रांड तो सारा रिजल्ट हमारा अच्छा ही मिलता है सर, बाकी डिपेंड करता है कि कस्टमर को किस तरह से साउंड चाहिए, तो उस हिसाब से साइज वाइज अपना डिमांड करते हैं। हाँ जी, अकॉर्डिंग है, हम साइज सारे अवेलेबल है। साइज सारे अवेलेबल। एक क्वेश्चन मैम मेरी माइंड में आ रहा है जी, कि आप इसकी सप्लाई कहाँ करते हो? सर देखिए, वैसे तो हम सप्लाई ऑल ओवर इंडिया करते हैं सर। ओके, हमारी सप्लाई ऑल ओवर इंडिया ही होती है सर। हाँ जी, कि कस्टमर हमारे ब्रांड तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे सर। और इस रेट में कोई भी ब्रांड, कोई भी कंपनी इस प्राइस में ये मतलब अवेलेबल इस क्वालिटी का माल नहीं करा सकती है सर, ये हमारा पूरा दावा है सर। ओके मैम, और एक चीज और आती है मैम, जैसे कि आप, हमने आपकी फैक्ट्री देखी पूरी, आप मैन्युफैक्चरर्स हो उसके, तो उसके आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, रिटेल में भी करते हो? सर देखिए, रिटेल में तो हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक सिंगल पीस सर हमारा जो जाता है ना, बल्क में ही ऑर्डर जाता है। Okay, सिंगल पीस के लिए अगर कस्टमर रिक्वायरमेंट करता है तो उसके लिए फैक्ट्री आना तो सर देखो हमें पॉसिबल नहीं होता हर किसी के लिए, और थोड़ा टाइम भी सर लगता है एक कस्टमर को अटेंड करने के लिए, तो हम ज्यादा हमारा जो ऑर्डर जाते हैं सर वो बल्क में ही जाते हैं। बल्क में ही ऑर्डर जाता है सर हमारा। जी, और प्राइस रेट की बात करें सर, प्राइस रेट की बात करें तो हमारे 3000 से लेकर 7000 तक की हमारे पास अवेलेबल है सर, वैरायटीज अवेलेबल। ओके, हां जी सर, ये देखिए 10 इंची राउंड है सर, आपने डी शेप देखा। yes, और ये 10 इंची राउंड बेस टू है सर। यस मैम, ठीक है सर, ये उससे छोटा साइज होता है, 10 इंची 16 इंची राउंड। ओके, 8 इंची 20 इंची राउंड सर। ओके, 8 16 राउंड। ओके, ये हमारे देखिए आपने कितने सारे इसलिए मैम मैंने खुद ही आपसे पूछा क्वेश्चन कि ये देखने में मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। हाँ जी। और इसके बारे में बताएं मैम एक बार थोड़ा। सर ये 10 इंच स्क्वायर बेस टू है हमारा, इसको एनक्लोजर बोलते हैं हम लोग। ओके मैम, ये भी पूरी साउंड इसकी मतलब पूरी अच्छे तरीके से निकाल के देखे, ये सेफ्टी के लिए है। Okay. कि हमारे ऊपर को कोई भी डैमेज ना हो। ये भी इनबिल्ड है सर। Okay. इसमें भी एम्प लगा हुआ है, इसमें भी साइजेस अवेलेबल है। बिल्कुल सर, ये 10 इंची साइज है सर। और सर देखिए, ये हमारा 12 इंची साइज अवेलेबल है इसी मॉडल में। ओके, इसमें लिखा है 5000 वाट। जी सर, तो इसकी पावर है? हाँ जी सर, ये वोल्टेज है इसकी सर। अच्छा। ये 5000 वाट देता है। ओके मैम, यहाँ पे स्पीकर्स भी रखे हुए हैं जैसे कि ये। बिल्कुल सर, ये देखिए, ये हमारा स्पीकर है, ये 6-9 स्पीकर है। ओके, मैं आपको ओपन में दिखाती हूँ सर ये। ओके, ये देखिए,
ये 6-9 स्पीकर है सर। अच्छा स्पीकर्स भी हमारे पास। हाँ स्पीकर्स भी अवेलेबल है सर। अच्छा और ये हमारा अभी लेटेस्ट मॉडल निकला है सर 6-9 हैवी। ओके साउंड क्वालिटी वेरी बेस्ट। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सारा हमारा मैन्युफैक्चर इन हाउस है। बिल्कुल सर बिल्कुल। ये हमारा सर 6 इंची का होता है जैसा कि आपको दिख रहा है सर। ये 6 इंची स्पीकर है। इससे छोटे में होता है सर ये 4 इंची स्पीकर। ओके उन सारी वैरायटीज हमारे पास अवेलेबल है। साइज वैरायटी क्वालिटी ऑल अवेलेबल है। ओके मैम ठीक है सर। ये देखिए सर 12 इंची सब ऊपर। 12 इंची सब ऊपर। हाँ जी। ओके ये भी अवेलेबल है सर हमारे पास। ओके ये भी हम ऊपर जाते हैं। बात करते हैं 2 चैनल की। जैसा कि आपने देखा कि हमारे पास कितनी वैरायटी और साइजेस सर अवेलेबल हैं। ओके ठीक है ना सर। और इसमें अगर आप हमसे कांटेक्ट करके हमसे ये ब्रांड लेना चाहते हैं तो हम आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर हमारी वेबसाइट्स कांटेक्ट नंबर फर्म नेम विद एड्रेस आपको शो हो रहा होगा सर। हाँ जी। तो बाकी आप सारी डिटेल्स आपकी डाल दो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा स्क्रीन पे डाल दूंगा। जी बिल्कुल। आप पूरे उससे हमने मतलब इसके लिए कोई भी क्वेरी हो तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सर। ओके मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। आपने इतना टाइम दिया पूरी फैक्ट्री का हमें एक टूर कराया तो बताया कि एक बेस्ट कैसे बनती है और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये हमारी पूरी टीम है okay. जिसकी मेहनत से ये सारे मॉडल तैयार किए जाते हैं और कस्टमर को उपलब्ध कराए जाते हैं। हम एक फैमिली की तरह से भी यहाँ पे कार्यरत है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पूरी तरीके से सबका ख्याल रखा जाता है सर। ओके तो बच्चों खुश हैं आप सब लोग यहाँ पे काम करके।